सैलाब की तबाहियां खत्म न हुई के 50 लाख से ज्यादा अफराद के बड़े वबाई अमराज में मुब्तला होने का खतरा। माहिरीन सेहत और फलाही इदारों ने सैलाब ज़दा इलाकों में 50 लाख अफराद के बीमार होने का खदशा जाहिर किया है। वाइस चांसलर हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के मुताबिक डॉक्टर शहजाद अली खान, पाकिस्तान में सैलाब से अब तक 3,30,00,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। चंद हफ्तों में लाखों अफराद आलूदा पानी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से मुतासिर होंगे। डॉक्टर शहजाद अली खान का कहना है कि सैलाबी इलाकों में टाइफाइड और हिजे की मुश्तरका वैक्सीन हर शख्स को लगाई जाए। माहिर अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक सैलाबी इलाकों में डेंगू, मलेरिया, खसरा और पोलियो फैलने के इम्कानात कई गुना बढ़ गए हैं। डॉक्टर राना मोहम्मद सफदर का कहना है कि सैलाब से मुतासर बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। फलाही इदारे अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन का कहना है कि इब्तदाई तौर पर सैलाब जदगान के इलाज के लिए 1 अरब रुपए की दवाएं दरकार हैं। दरकार अद्वियात और अशिया की लिस्ट बना ली है। इसके अलावा अद्वियात अतिया न करें। अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन का कहना है कि अद्वियात की लिस्ट पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट की मशावरत से तैयार की गई। वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।